डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 5 और इसमें हम देखेंगे टीचिंग इन हायर एजुकेशन। और इस दौरान हम कम से कम 20 से 25 प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो हायर एजुकेशन में यूज होते हैं। जैसे कि हम बात करें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मॉक, ब्लेंडेड लर्निंग। इसके अलावा जैसे हम इग्नू की बात करें, ज्ञान दर्शन, ज्ञान धारा, ज्ञानवाणी, और इसके अलावा भी काफ़ी इनिशिएटिव है जो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इस क्लास में 25 प्लस इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे हायर एजुकेशन में जो यूज होते हैं। और इसमें पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं 2012 से लेके 22-23 तक, वो सभी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसीनेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए टीचिंग इन हायर एजुकेशन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर स्वयं के बारे में बात करते हैं। और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, स्वयं की फुल फॉर्म वो पूछते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म इनकी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। अब यहाँ पे कुछ और दे सकते हैं, वो एक्टिव की जगह ऑथर दे सकते हैं और एक्शन दे सकते हैं, कुछ भी वो दे सकते हैं। तो आपको एक एक शब्द के बारे में पता होना चाहिए। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, ये आपको पता होना जरूरी है। और ये क्या है? स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, और अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ थ्योरी के बाद में। तो आप देखना किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया है। और एक ये देखिए AICTE की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ चुकी है, तो इसका इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और ये क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 को आम बजट में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसको 9 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया। और ये देखिए स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों द्वारा चलाया जाता है। ये है नंबर एक पे एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, इसके 3 सिद्धांत हैं। और इसकी विशेष बातें क्या क्या है वो हम देखते हैं इसमें। ये देखिए समय में एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जो निःशुल्क है, इस पर कोई भी आके शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन अगर उसको सर्टिफिकेट चाहिए ना तो उसको कुछ फीस देने की आवश्यकता है। इस पर 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध है। जो छात्र प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ फीस है, वो मैंने आपको बताई अभी। स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 भाग है, इसमें देखिए 4 भागों में डिवाइड किया गया एक कोर्स को। वीडियो एक तो है वीडियो, दूसरा है अध्ययन सामग्री यानी स्टडी मटेरियल, तीसरा है
जैसे एक हम खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे खुद टेस्ट दे के देख सकते हैं, मॉक टेस्ट दे के देख सकते हैं वहाँ पे अपनी कितनी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। और चौथा है दोस्तों ऑनलाइन विचार विमर्श, वहाँ पे हम जो टीचर है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये चार भाग है यहाँ पे, और इसके चार चतुर्थ दृष्टिकोण शामिल है। ये देखिए, ये जो अभी हम ऊपर करके आए, ये चारों के चारों यहाँ पे ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, चर्चा मंच और आंकलन। आंकलन यानी कि लास्ट में हमें रिजल्ट पता चलता है हमारा, तो ये चीजें इसमें। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा भी हमारे लिए काफी जरूरी है, और इसमें हम देखते हैं ये क्या है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उन सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बनाया गया है जो अपनी माध्यमिक वरिष्ठ या फिर माध्यमिक या उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सके। अब देखिए, स्टूडेंट इस ऑनलाइन पोर्टल स्वयं के जरिए अपनी शिक्षा जारी कर सकते हैं। इसी के लिए MHRD और AICTE ने भी संयुक्त रूप से स्वयं पोर्टल DTH TV चैनल का प्रारंभ किया है। अब देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक ऊपर पढ़ा हमने स्वयं, ये देखिए ऊपर पढ़ के आए हैं हम, ये देखिए ये स्वयं पढ़ के आए। ये क्या है कि एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के जरिए हम अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्सेज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं टीचर से। लेकिन ये क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, ये एक डिजिटल चैनल है दोस्तों। ये टीवी चैनल्स है, और इसके जरिए हम अपनी चैनल के जरिए वीडियोज़ देख सकते हैं, वीडियोज़ के जरिए हम अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। जिन छात्राओं का छात्र छात्राओं का कोर्स बीच में रह गया वो पूरा कर सकते हैं। और इसको भी MHRD और AICTE द्वारा विकसित किया गया है, और ये भी दोस्तों 2016 में घोषणा हुई थी और 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें देखिए दोस्तों, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, एक इसका शुभारंभ कब किया गया, 9 जुलाई 2017 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। और इसमें 34 DTH चैनल है, और जो क्या करते हैं 4 घंटे प्रत्येक दिन सिखाते हैं, एक दिन में 4 घंटे सिखाते हैं, और एक दिन में 6 बार इनका टेलीकास्ट होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप इसको देख लेना। और इसमें क्या है दोस्तों, अपनी सुविधा के अनुसार समय का चुनाव कर सकते हैं छात्र। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस और मानव संबंधी विषय, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन और एग्रीकल्चर के सभी पाठ्यक्रम यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये चीज़ है दोस्तों। स्वयं प्रभा योजना कक्षा 10 के स्तर से लेकर IIT तक के प्रारंभिक पाठ्यक्रमों को कवर करती है। और चैनल पर सामग्री कौन कौन सी है, ये देखिए, NCERT, IGNOU, IITs, NPTEL, CEC, NIOS, UGC द्वारा प्रदान की जाती है। और स्वयं प्रभा जो पोर्टल है इन्फ्लिपनेट द्वारा बनाया गया है। ये दोस्तों इसका, इसके अंदर BISAG का पूर्ण रूप भास्कर इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो फॉर्मेटिक है। यह गुजरात सरकार द्वारा एक राज्य एजेंसी जो मानचित्र के आधार पर सेवाओं को प्रदान करने का काम करती है। और इसमें देखिए आगे जो है हमारा MOOC है, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ चुकी है। इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब इसमें भी दोस्तों क्या है कि यहाँ पे भी हम अपने कोर्सेज ले सकते हैं, अलग अलग जो कर्मचारी वगैरह है वो भी यहाँ पे अपने कोर्सेज ले सकते हैं। देखिए MOOC वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूर क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। जो छात्र कॉलेज में नहीं जा पाते, दूर है, तो उनके लिए कार्यक्रम मनाया गया है। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा, कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से स्टीम के पाठ्यक्रम है। स्टीम का मतलब क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। स्टीम मतलब यहाँ पे क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों व छात्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो ये इसके अंदर है दोस्तों, ये चीज़ें आप कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम बात करें जैसे दोस्तों ई गवर्नेंस के बारे में बात करें जो है, तो सरकार ने क्या किया है, ई विद्वान एक लॉन्च किया है। ई विद्वान क्या है,
ई विद्वान शोधार्थियों तथा अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का डेटाबेस है जो शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य अनुसंधानों और विकास संगठनों में शामिल है। यानी कि जो बड़े बड़े टीचर है, रिसर्चर है, उनका एक संगठन है, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा फेसबुक है, सेम वैसे ही है। यहाँ पे जो टीचर है, रिसर्चर है, वो अपना डेटाबेस यहाँ पे बना सकते हैं। और इसके उद्देश्य क्या है, साथियों, भावी सहयोगियों और वित्त पोषण एजेंसियों किया कि ये सभी एक दूसरे के साथ अपनी सूचना साझा कर सके और एक दूसरे का सहयोग कर सके, इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर है ई आचार्य। ई आचार्य, इसे एकीकृत ई सामग्री पोर्टल भी कहा जाता है और NMEICT के तहत इसके अंदर क्या है, विकसित आधिकारिक भंडारण के रूप में इन्फिनेट द्वारा विकसित एक वेब आधारित इंटरफेस है। इसमें क्या है, यह पोर्टल शिक्षार्थियों को ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आदि सभी शिक्षण सामग्रियों को एक इंटरफेस के माध्यम से खोजने और ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करता है। ये भी वही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर जैसे और हम बात करें, जैसे ई यंत्र, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और IIT बॉम्बे में आयोजित एक रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम है। अब देखिए, जिस बच्चे को रोबोटिक्स के बारे में सीखना है तो वो ई यंत्र वेबसाइट खोल के वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकता है। फिर जैसे डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर के अंदर हम अपने जो भी दस्तावेज है, प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, वो सारी की सारी यहाँ पे वेरीफाइड कर सकते हैं और प्लस में इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ई पाठशाला, ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MSRD और NCERT द्वारा विकसित किया गया है। यह सभी शैक्षिक ई संसाधनों को दिखाने और प्रसारित करने के लिए विकसित किया गया है। तो लगभग इनके जो मोटिव है वो यही है, शिक्षा, शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना और लोग जो है उन तक अपनी आसानी से पहुंच बना सके, ये है इसमें। और ये देखिए फिर आगे सारांश, सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस और CBSE सारांश बनाया गया है। यह CBSE द्वारा विकसित किया गया है। इसे 7 नवंबर 2015 को विकसित किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन में मानव विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया था। तो ये CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है, माता पिता और स्कूल के बीच तालमेल बनाया जा सकता है। जो माता पिता है वो भी अपने बच्चे की लर्निंग देख सकते हैं और वो देख सकते हैं, वो उन पर निगरानी रख सकते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या है। फिर शाला सिद्धि है, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएशन शाला सिद्धि के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या है कि यह स्कूल के मूल्यांकन के लिए, स्कूल में सुधार के लिए अग्रण है। इसमें हम देख सकते हैं स्कूल का क्या सुधार हुआ है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो काफ़ी इनिशिएटिव यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए ई कल्प है, क्रिएशन डिजिटल लर्निंग एनवायरमेंट फॉर डिजाइनिंग ऑल्सो कॉल्ड ई कल्प। जो स्टूडेंट मतलब डिजाइनिंग से रिलेटेड है, डिजाइनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो ई कल्प को चुन सकते हैं। यह पहल 3 संस्थानों IIT बॉम्बे और बेंगलोर में NID और IIT गुवाहाटी द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों, इसमें अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सभी स्टडी नोट्स आपको हमारी ऐप निमिजन ऐप में मिल जाएंगे। फिर है अटल टिकरिंग लैब, ATL का पूर्ण रूप अटल टिकरिंग लैब है, अटल इनोवेशन मिशन। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है पहले। और इसमें क्या है, इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना है। यह डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटर नेशन सोच, अनुकूलन सीखने इत्यादि में सहायता करता है। ठीक है, और उसके बाद में हम जैसे बात करें जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। जैसे ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी, यह अकादमिक संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे अकादमिक पुरस्कारों के डिजिटल जारी करने, भंडारण करने, उपयोग और सत्यापन करने की एक सुविधा है। और ये MHRD द्वारा ही विकसित किया गया है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हाँ, ये देखिए एक शोध गंगा, यहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। शोध गंगा, शोध गंगा क्या है, एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, वहाँ पे जो रिसर्चर है, जो PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं,
रिसर्च का कार्य कर रहे हैं वो वहाँ पे जाके पहले जो लोगों ने रिसर्च कर रखी है उनकी पीएचडी थीसिस देख सकते हैं। और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर जो अपने पीएचडी पूरी कर लिए जिन्होंने, वो यहाँ पे अपनी थीसिस जमा कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक दूसरे का कार्य देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं साइबर क्राइम में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि साइबर क्राइम से रिलेटेड कितने लोगों ने पहले काम किया और उनके काम करने का तरीका क्या है। तो वहाँ मैं अपनी रिसर्च उनको देख के अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो ये है। और यहाँ से हमारा शोध गंगा से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ज्ञानवाणी से क्वेश्चन। इग्नू की तीन सर्विस है, ज्ञानवाणी है, ज्ञानधारा है और ज्ञान दर्शन है। इन तीनों से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और अभी आपको दिखाने वाले भी हैं। देखिए, ज्ञानवाणी मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और वाणी का अर्थ है आकाशीय प्रसारण। यानी कि ज्ञानवाणी का मतलब, वाणी का मतलब क्या है, आवाज़। आवाज़ कहाँ पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं। यानी कि ये इग्नू की एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम रेडियो के जरिए अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। रेडियो पे इनके अलग अलग प्रसारण आते हैं, उनमें हमें शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये रेडियो स्टेशन है इनका। और इसमें जैसे ये देखिए, ज्ञानवाणी स्टेशन विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे इग्नू, इन सभी के योगदान से कार्यक्रम चलाता है डेली। और उसके बाद में हम बात करें जैसे ज्ञान दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब देखना। और देखते कहाँ पे, हम टीवी पे देखते हैं ना, रेडियो पे तो देख नहीं सकते। तो ये क्या है, ज्ञान दर्शन इग्नू का एक टीवी चैनल है जहाँ पे हम इग्नू के द्वारा जो भी पाठ्यक्रम है उसको देख सकते हैं। ये शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए 24 घंटे प्रसारण चैनल है जो विभिन्न प्रकार के विषयों और खान पान के दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल करता है। ठीक है, फिर एक ज्ञान धारा है। अब ये देखो, ज्ञान धारा, धारा का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है। यहाँ पे हम वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे जो है इंटरनेट पे जो ऑडियो पॉडकास्ट जिसको बोलते हैं, पॉडकास्ट ऑडियो के रूप में हमें कार्यक्रम दिया जाता है इंटरनेट पे, तो इसको हम ज्ञानधारा बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों इग्नू द्वारा शुरू किए गए हैं। उसके बाद में GIAN, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ये क्या है, MHRD द्वारा एक पहल है जो 2015 में शुरू की गई है। फिर है सरल। और ये देखिए, इसमें क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने सभी विद्यालयों के लिए एक सरल नामक वेब पोर्टल पर सभी छात्रों की जानकारी दर्ज करने के लिए अनिवार्य किया है। यहाँ पे क्या है कि सरल में हम जो छात्र हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट की, ये है। फिर है स्पार्क। स्पार्क की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आई हुई है, सर्विस एंड पेरोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोजिटरी फॉर केरला, ये इसकी फुल फॉर्म है जी। और इसे क्यों नहीं, क्यों बनाया गया है, अनुसंधान सेवाओं को सुविधाजनक बनाते हुए भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करना। जो हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके, इसलिए इसका इसको विकसित किया गया है। तो ये चीज़ें इसमें डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। फिर जैसे ये आ गया, उमंग आ गया, भीम आ गया, ये हमारी उससे टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। भीम UPI वगैरह ये टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। और ई बीज हम देखते हैं, ये भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये भी हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है जी। तो ये दो छोड़ के आप सारे के सारे कर सकते हैं जी। तो अभी हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन करें। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों, अभी हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं टीचिंग इन हायर एजुकेशन वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग ICT स्पॉट इज एम्प्लाई। ये देखो, शिक्षण की किन विधियों में ICT समर्थित निहित है। अब देखो, MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में ICT का उपयोग किया जाता है। लेक्चर मेथड, बज सेशन और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में तो ICT का इस्तेमाल नहीं करते, हम MOOC में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं इसमें, देखिए ये देखिए, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ICT फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ द टीचिंग। देखिए, हम शिक्षण के जो परिणाम है उसको अच्छा बना सके, इसलिए हम ICT का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को
देखने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मिल जाएंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया, इंस्टीट्यूशन आ गया। ये देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग कोर्स थ्रो सवेम लेवल ऑफ एजुकेशन। सवेम हमने पोर्टल देखा था, उस पोर्टल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा कौन सी लेवल की एजुकेशन दी जा रही है। तो इसमें देखिए, जैसे एनसीईआरटी है, इग्नू है, सीई है, यूजीसी है। तो इसमें देखिए, एक आंसर फोर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर किसकी स्कूल एजुकेशन दी जाती है, स्कूल में जितने भी हमारी बुक्स वगैरह लगती है ट्वेल्थ क्लास तक, तो वो एनसीईआरटी की लगती है ज़्यादातर, है ना। और फिर हम जैसे बात करें इग्नू, इग्नू के अंदर क्या है, मोस्टली हम अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स करते हैं, बी का यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। इग्नू, हाँ इग्नू का थ्री है, सॉरी बी का वन इन्होंने दिया है। पोस्ट स्कूल एजुकेशन, यस यस यस, स्कूल के बाद जो एजुकेशन लेते हैं वो हम इग्नू पे ले सकते हैं, बीए भी ले सकते हैं, एमए भी यहाँ पे कर सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जैसे हम इग्नू की बात करें तो इग्नू के अंदर अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स हम कर सकते हैं। और सीई सी में हम बात करें तो इसमें आएगा, एक मिनट, ये है ना हमारा तीन नंबर पे है, हमारा बी का हो गया वन हो गया, ए का हो गया फोर और सी का हो गया टू, अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन, ठीक है सॉरी, हाँ अंडर, और डी का है थ्री पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ जी, यूजीसी जो है ना वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, यूजीसी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे ये देखिए, ये बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, जो हम अप्लीकेशन यूज़ करते हैं कौन सी, जैसे जूम अप्लीकेशन यूज़ करते हैं और गूगल मीट यूज़ करते हैं, तो उसमें ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई जूम पे हम कितने मिनट की फ्री में क्लास ले सकते हैं, तो ये फीचर आपको पता होना चाहिए। और उसमें जैसे ये देखिए, गूगल क्लासरूम क्या करता है, गूगल मीट क्या करता है, गूगल क्यूज क्या करता है, इनके यहाँ पे फीचर अलग अलग दिए हुए हैं जी। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं, ये देखो इग्नू का, NPTEL का, UGC CEC का, ठीक है, तो ये सारे के सारे आप देख लेना भाई। और ये देखो, ये मॉक, ये देखो मॉक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और देखते, ये देखिए मॉक का एक क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में आया, इन MOOC द वर्ड मैसिव मीन्स दैट देयर कैन बी हग नंबर ऑफ लर्नर हु कैन एनरोल फॉर कोर्सेज। तो ये बात इसकी सही है, मॉक के अंदर एम है, एम का मतलब मैसिव और मैसिव का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एनरोल कर सकते हैं जी। MOOC इन्वॉल्व द यूजिंग ऑफ ICT, ये हमने शुरू में ही किया था, पहला ही जो क्वेश्चन था अपना वो यही था, द यूज ऑफ ICT इन विच इनेबल, तो वो क्या था, MOOC था, टू मेक एजुकेशन एसेसेबल टू द स्टूडेंट। तो ये इसका राइट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम और देखते हैं, देखिए ये LMS इज ए सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन यूज फॉर, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये देखिए, इसका आंसर वन है, एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन ट्रैकिंग रिपोर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म LMS की फुल फॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें हम ये स्कूल वगैरह स्कूल के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितना कितने दिन आया है, कितनी उसने स्टडी की है, कितनी उसने वीडियो देखी है, कितने उसने मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सारी की सारी उसमें हम ट्रैकिंग कर सकते हैं बच्चे की। ये स्पेशली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर स्कूल है वो इसको यूज़ करते हैं। LMS इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। और इसमें देखें काफ़ी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर। ये देखिए MOOC का दोबारा फिर से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये देखिए MOOC का फिर आ गया 22 में, बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देखिए NEET से आ गया, और ये देखिए MOOC का दोबारा फिर से आ गया है, तो भरे पड़े हैं MOOC के। ये देखिए MOOC का फिर से आ गया कितने क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, कितने क्वेश्चन, एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ ना आपको कि आप फुल फॉर्म भी याद रखा करिए, देखो NROER, ये देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ये हमें जो भी चीज़ हम पढ़े तो उसकी फुल फॉर्म आप एक बार ज़रूर देख लेना।
अब ये पूछ रहा है, देखो बेनिफिट ऑफ एक्रोनिमस मोड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या लाभ है वो हमें बताने हैं यहाँ पे, ये आंसर भी दिए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए, ये मार्च 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या हुआ है, देखिए LMS अभी हम पढ़ के आए हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज टू प्रोवाइड वर्चुअल एनवायरमेंट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। जी, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। LMS कैन बी यूज फॉर ब्लेंडेड एज वेल एज द ऑनलाइन लर्निंग, तो ये बात भी इसकी सही है। LMS के अंदर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की एजुकेशन ले सकते हैं। जी, और ये देखिए, ये आ गया हमारा स्वयं प्रभा आ गया। अभी हम पढ़ के आए थे ना स्वयं प्रभा में, स्वयं प्रभा में कितने DTH चैनल है, तो ये देखिए कितने है? 34 है ना स्वयं प्रभा में। ये देखो, स्वयं प्रभा डेवोटेड टू टेलीकास्ट ऑफ द हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम, कितने? 34 चैनल्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब ये देखिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से एक बार फिर से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS दैट सपोर्ट ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको देखिए, आपके पास अगर यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे ना, तो आपको आसानी हो जाएगी ये पता करने में कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। अभी ऐसी अगर आपको रिसर्च में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, ICT में, लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको ये बता दिया जाए कि ऐसे ये 10 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आपका नेट और GR पहली बार में हो सकता है। अभी जैसे हमने कई क्वेश्चन देखे, मुख से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, और ये देखिए स्वयं प्रभा से अभी और क्वेश्चन देखने वाले हैं, और LMS से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। जी, और इसमें और हम देखें, और देखें इसमें क्वेश्चन, ये देखिए स्वयं प्रभा का फिर से आ गया है। ठीक है, और उसके बाद में ये देखिए स्वयं प्रभा का फिर से एक क्वेश्चन आ गया मार्च 2023 में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा डेवलप किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन, ये देखिए स्वयं प्रभा से फिर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, स्वयं प्रभा इन्होंने पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये देखो ये फिर से आ गया स्वयं प्रभा का। ठीक है, अब देखो स्वयं प्रभा के अंदर क्या है। स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटेड होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्सेज थ्रू इन क्लासरूम, कहाँ से लेके कहाँ तक? 5वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, 11वीं से लेके अंडर ग्रेजुएशन तक। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9वीं क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज में दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको नेट और GRF पहली बार में ही लेना है ना, तो आपको टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और ये देखो फिर से आ गया स्वयं प्रभा का, स्वयं का क्वेश्चन। देखो स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल सही है। और इसके अंदर देखो, स्वयं इज डिजाइन टू अचीव 6 कॉर्डियल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो इसमें कितने प्रिंसिपल थे, याद है आपको? अब ये तो बात इसकी गलत है ना, इतने नहीं थे हमारे, 4 प्रिंसिपल थे। 4 प्रिंसिपल कौन से थे? पहुँच था, एक्सेस था, इक्विटी था, इस तरह से थे, मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए स्वयं के, ये देखिए 3 आधारभूत सिद्धांत, ये देखो 3 आधारभूत सिद्धांत, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे 6 का बोला था, तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये स्टडी नोट्स लेने हैं, वीडियोस लेनी है कंप्लीट पेपर 1 की, और पेपर लेने हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेने हैं, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की आप
आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसनेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हजार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।